सरदार वल्लभ भाई पटेल, बाधाओं को पार करना होगा। उनकी नीति प्रिंसली रियासतों के बारे में, कुछ दिन पहले यह घोषणा की गई थी कि भारत सरकार ने समान रहित के सभी मामलों में रियासतों के साथ अपने संबंधों का संचालन के लिए एक विभाग स्थापित करने का निश्चय किया है। इस विभाग का काम आज शुरू हो गया और रियासतों को इसकी सूचना दे दी गई है। इस महत्वपूर्ण अवसर पर भारतीय रियासतों में, जिनमें बहुतों को अपना मैं निजी मित्र मानता हूं, दो शब्द कहना चाहूंगा। यह ऐतिहासिक तथ्य है कि भारत राजनीतिक दृष्टि से भिन्न भिन्न टुकड़ों में बटा हुआ है और उनमें एकता का अभाव रहा है, जिसके कारण उस पर बार बार विदेशी हमले होते रहे। फिर हम लोगों में जो आपसी संघर्ष और झगड़े होते रहे, ईर्ष्या विदेश का प्रबल्य रहा, उसी के कारण हमारा अधः पतन हुआ और हम लोग कई बार विदेशी प्राधीनता के शिकार हुए। अतः अब फिर से हम लोग वैसी गलतियां नहीं कर सकते या ऐसे जाल में नहीं फंस सकते। अब हम अपनी स्वाधीनता के द्वार पर खड़े हैं। यूं यह भी सच है कि अपनी आजादी की लड़ाई के अंतिम दौर में हम लोग अपने देश की अखंडता को बनाए रखने में असमर्थ हैं, क्योंकि हमारे देश में कुछ हिस्सों में अलग होने से और अपनी निजी सरकार बनाने का जो फैसला किया है, उससे हमें बहुत ज़बरदस्त निराशा हुई है, दुख हुई है। लेकिन हमारा विश्वास है कि इस विद्यमान अलगाववाद के बावजूद हम लोगों के बीच जो संस्कृति एकता है, एकता का मूल भाव है, हमारे पारस्परिक हितों में बना रहेगा और खासकर उनसे जो हमारे भिन्न अंग हैं, जिसके आर्थिक, सांस्कृतिक, राजनैतिक संबंध हमारे साथ अटूट हैं। अतएव इन रियासतों को शेष भारत के साथ अपनी पारस्परिक मैत्री और सहयोग का संबंध बनाए रखना चाहिए। भारत के साथ साथ इन रियासतों की सुरक्षा का तकाजा है और देश के विभिन्न भागों के बीच एकता और सहयोग कायम रहे। जब अंग्रेजों ने भारत में अपनी हुकूमत कायम की तो उन्होंने सर्वोच्च सत्ता का सिद्धांत अपनाया, जिससे ब्रिटिश हितों को सबसे अधिक प्रमुखता मिली। यह सिद्धांत आज तक स्पष्ट नहीं हो सका, लेकिन इसका जिस तरह से पालन किया गया, उससे निसंदेह यह बात सबको मालूम हो गई कि सहयोग की अपेक्षा अंग्रेजों ने भारतीय को प्राधीन बनाने का रुख अख्तियार किया। सर्वोच्च सत्ता के क्षेत्र के बाहर एक बहुत अध्यापक व्यापक क्षेत्र रहा, जिसमें ब्रिटिश और भारत रियासतों के संबंध सदैव परिपूर्ण बने रहे। चूंकि अब अंग्रेजी हुकूमत खत्म हो रही है, इसलिए यह मांग की गई है कि रियासतों को फिर से उनकी आज़ादी मिलनी चाहिए। चूंकि सर्वोच्च सत्ता के अंतर्गत रियासतों ने विदेशी शासकों के सामने आत्मसमर्पण कर दिया था, अतएव मुझे इस भाग के प्रति हर तरह की सहानुभूति है। लेकिन मैं नहीं समझता कि इन रियासतों की इच्छा ऐसी हो सकती है कि वे ऐसे ढंग से अपना आधिपत्य कायम करके
इस स्वतंत्रता को उपयोग करें जो भारत के सामान्य हितों के लिए घातक हो या जनता के हित में और कल्याण के हित लिए बाधक हो या जिसके परिणाम स्वरूप हमारे उस लाभदायक संपर्क संबंध परित्याग करना पड़े जो पिछली शताब्दी के दौरान ब्रिटिश भारत और भारतीय रियासतों के बीच विकसित हुआ है। ये बात इससे स्पष्ट हो जाती है कि अधिकांश भारतीय रियासतें पहले ही समाधान अपना चुकी हैं। जिन रियासतों ने ऐसा नहीं किया है उनसे मेरी अपील है कि वो भी शामिल हो जाएं। मातृभूमि की सेवा का व्रत। अपनी संस्थाओं सहित यह देश अपने निवासियों की एक ऐसी विरासत है जिस पर गर्व किया जा सकता है। यह तो बस संयोग की बात है कि कुछ लोग रियासतों में रहते हैं और कुछ ब्रिटिश भारत में, लेकिन यहाँ के सभी लोग एक ही संस्कृति सूत्र से आबद्ध हैं और हम सब खून एक ही दृष्टि में है। इसलिए कोई भी ताकत हमको टुकड़ों में विभाजित नहीं कर सकती और न ही हमारे बीच ऐसी कोई खाइयां डाल जा सकती है जिसे हम लांग नहीं सकते, जिससे हमारी दूरी बनी रहे। इसलिए मेरा सुझाव है कि हमें बेहतर होगा कि हम विदेशियों की तरह संधियां करने की बजाय भाइयों की तरह एक साथ बैठकर कानून बनाएं। फलतः मैं अपने मित्रों, रियासतों के शासकों और उनकी जनता को आमंत्रित करता हूं कि वे सबकी भलाई के लिए अपनी मातृभूमि की सेवा का व्रत लेकर संयुक्त प्रयास के रूप में मैत्री और संयोग भाव से संविधान सभा की परिषदों में शामिल हों। लगता है कि रियासतों के प्रति कांग्रेस ने जो रुख अपनाया है उसके बारे में काफी गलत फहमी फैल गई है। फैल भी सकती है, कुछ फैलाने वाले हैं। मैं तो इन्हें स्पष्ट कर देता हूं, करना चाहता हूं कि कांग्रेस की यह कतई इच्छा नहीं है कि वे रियासतों के किसी भी तरह से घरेलू मामले में किसी भी तरह दखल अंदाजी करें। रियासतों की शासन का कोई भी दुश्मन नहीं है। बौद्धिक लोग तो यह चाहते हैं कि रियासतों के शासक और उनकी जनता सब तरह से समृद्धिशाली, संतुष्ट और खुशहाल रहें। और नहीं, मेरी नीति ऐसी होगी कि किसी भी प्रकार रियासतों के साथ इस नए विभाग के संबंध इस तरह के हों कि एक दूसरे पर आधिपत्य को बल मिले या शंका हो। अगर आधिपत्य का कोई भी भाव होगा तो यह केवल हमारे पारस्परिक हितों के लिए, कल्याण के लिए ऐसा ही भाव होगा। इसके अलावा हमारी कोई भी नियत नहीं है और न ही हमारा कोई स्वार्थ है। इसलिए हमारा सामान्य लक्ष्य यही होना चाहिए कि हम एक दूसरे के दृष्टिकोण को भली भांति समझ लें और ऐसे फैसलों पर पहुंचें जो सबको मान्य हों और देश के हित में हों। मेरे विचार में ऐसी संभावना ढूंढ निकालने का जिससे नए विभाग के प्रशासन को सहयोग के लिए एक स्थायी समिति बनाई जाए जिनमें रियासतों के ब्रिटिश भारत दोनों के प्रतिनिधित्व करने वाले हों। सामूहिक प्रयास। हम लोग आज भारत के इतिहास में एक
महत्वपूर्ण चरण से गुजरे हैं। सामूहिक प्रयास के जरिए हम देश को नए सिरे से ऊंचा उठा सकते हैं, वरना एकता के अभाव होने पर हमें नई नई विपत्तियों का सामना करना पड़ेगा। हमारे दिमाग में जरूर देखेंगी रखेंगी ये सब डिफिकल्टीज, ये सब उलझने कि अगर हम लोग अपने सामान्य हितों को एक साथ मिलकर बरकरार रखने में असमर्थ हैं तो अराजकता और संकट की घड़ी उपस्थित होगी। जब छोटे भाई छोटे बड़े सभी बर्बाद हो जाएंगे। हमें ध्यान रखना है कि हमारी भावी पीढ़ियों को कहीं हमें इस बात के लिए ना वो कोसे कि हमें तो मौका मिला था लेकिन हम लोग उसका लाभ उठाने में चूक गए। अतः हम लोगों को आपसी पारस्परिक लाभ के संबंधों में एक ऐसी विरासत छोड़ के जानी चाहिए जिसके पवित्र मातृभूमि को विश्व के राष्ट्रों में यथोचित स्थान प्राप्त करने के लिए एक सामूहिक एक अच्छी नीति जिससे बन सके। यहाँ सुख और शांति का राज कायम हो, ऐसा हमें करना चाहिए।